एग्जाम्पल 9. चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर कन्वेक्स, कनकेव और नाइदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 8 मार्क्स या 16 मार्क्स में आ सकता है या 4 मार्क्स में आपको कोई भी पार्ट आ सकता है. सो इसको स्टार्ट करते हैं. एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन क्यूब प्लस टू एक्स टू क्यूब. तो 2x2 स्क्वायर. तो इसका मेथड क्या है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ बनाया था, अब इसका मेथड क्या है कन्वेक्स कनकेव चेक करने का. पहले आपने क्या करना है, हेसन मैट्रिक्स बनाना है. वो हम कैसे बनाते होते हैं, कर्ल के एफ अपॉन कर्ल एक्स वन स्क्वायर, कर्ल के एफ अपॉन कर्ल एक्स टू स्क्वायर. फिर इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं. पहले तो एक्स वन के विद रिस्पेक्ट कर देते हैं, फिर एक्स टू के. तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाता है. जैसे यहां पे मैं करके दिखाती हूं आपको. पहले हमने इसका किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, तो हमारे पास क्या आ गया 3x1 स्क्वायर. इसके बाद डबल डेरिवेटिव किया, थ्री टू जो 6x1 आ गया. उसके बाद हमने करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 जो 4 एक्स 2 की पावर 1, दैट मीन्स x2. डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे हमारे पास आ गया 4. अब हमने ये निकालना है, इसका मतलब क्या है, कर्ल अपॉन कर्ल x2, अंदर क्या आएगा कर्ल f अपॉन कर्ल x1. तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, कर्ल अपॉन कर्ल x2, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 3x1 स्क्वायर. यहाँ पे 2 वाली टर्म नहीं है तो सीधा आंसर 0. ऐसी 2 1 की वैल्यू भी सेम ही आती है, जो भी यहाँ पे वैल्यू है वही यहाँ पे होगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन में किया है. हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए सी बी बी, ये दोनों सेम होते हैं. सो यहाँ पे हमने पुट कर दी 6x1 4 0 0. तो ये हमारी बन गई हेसन मैट्रिक्स. उसके बाद फिर से हमने पुराने वाला मेथड यूज करना है. D1 हमारा क्या आएगा, फर्स्ट जिसका ऑर्डर क्या है 1, 6x1. D2 क्या होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा 2x2 का, दैट मीन्स ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है. इसका डिटर्मिनेंट करो, 6 4 24 x1 - 0, दैट मीन 24x1 आ गया. ऐसे Δ1 क्या होगा, जिसका ऑर्डर 1 है, 6x1, 4 आ गया. इन दोनों का ऑर्डर क्या है 1. Δ2 क्या होगा, इस पूरी टर्म का मैट्रिक्स, तो क्या आ गया 24x1. अब यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो h हमारा बन गया पॉजिटिव डेफिनेट. अगर x1 हमारा लेस देन 0 होगा तो h हमारा बन जाएगा इनडिफाइन, दैट मीन्स नेगेटिव, जिसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव डिफाइन डेफिनेट. उसके बाद हमारा जब इक्वालिटी आ जाती है, दैट मीन्स x1 > 0, देन Δ1 > 0, Δ2 > 0, क्योंकि x1 किस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, Δ1 Δ2 किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यूज पे. अगर x1 > 0 आया तब ये दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव डेफिनेट आएंगे. अगर ये x1 हमारा लेस देन 0 आएगा तब हमारा Δ1 Δ2 भी लेस देन 0 आ जाएगा. लेस देन इक्वल टू 0 है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी आती है. तो h हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेमी डिफाइन या इनडेफिनेट. तो ये बहुत इजी एग्जांपल्स है जिसको आपने अच्छे से कर लेना है. हैंस f इज कन्वेक्स ऑन दिस सेट x1 x2. कन्वेक्स कहाँ पे आया, जब हमारा x1 > 0 आया है. और स्ट्रिक्ट कन्वेक्स कब बना है, जब x1 > 0 आया है. स्ट्रिक्ट का मतलब होता है इनइक्वालिटी नहीं आती है. और ये है थ्योरम नंबर 19. लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी ओपन कन्वेक्स सेट इन आर एन, एफ फ्रॉम एस टू आर बी ए ट्वाइस डिफ्रेंशिएबल फंक्शन. देन एफ को हम कन्वेक्स तब बोलेंगे जब हमारा हेसन मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डिफाइन होगा एट ईच पॉइंट. ईच पॉइंट हमने क्या लिया, एक्स बार, जो किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे नॉन एम्प्टी ओपन सेट आर एन को. तो यहाँ पे हमने बिलोंग कर दिया एस को. तो यहाँ पे हमने मेन क्या याद रखना है कि अगर हमारा एच
हैसन मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है तो हमारा एफ क्या होगा, कन्वेक्स होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव सेमी डेफिनेट हो जाता तो एफ हमारा बन जाता कनकेव। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू स्केयर प्लस टू एक्स थ्री स्केयर माइनस सिक्स एक्स वन एक्स थ्री। इसमें हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव्स करना है क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स कौन सा है, थ्री क्रॉस थ्री का, क्योंकि यहाँ पे हमें थ्री वेरिएबल्स गिवन है। तो हम पहले तो इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं। पहले तो हमने किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, तो यहां पे हमारे पास आ रहा है एक्स टू प्लस फोर एक्स वन, ये भी जीरो ये भी जीरो, यहां पे किया तो माइनस सिक्स एक्स थ्री। ऐसे हमने इसका डबल डेरिवेटिव किया तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये भी जीरो, यहां पे आ गया फोर और ये बन गया जीरो, इसका मतलब इक्वल टू फोर आ गया। उसके बाद हमने करना है एक्स टू के विद रिस्पेक्ट टू, जब आप इसको क्वेश्चन को करोगे तो पहले आपने ये बनाने हैं या ये लिखकर ये कर सकते हो आप, ये आपने करके दिखाना है, अगर आप करके नहीं दिखाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। नाउ डबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू किया तो यहां पे आ गया एक्स वन प्लस टू एक्स टू और यहां पे हमारे पास और टर्म्स नहीं है तो यहां पे यही आ गया। उसके बाद हमने लिखा है इसका डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, ये जीरो प्लस टू इंटू वन दैट मीन्स टू। ऐसे हमने ट्रिपल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री, पहले हमने वन करना था ना, तो एक बार डेरिवेटिव किया तो यहां पे आ गया हमारे पास टू टू ज फोर एक्स थ्री माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे वन माइनस सिक्स एक्स वन। तो ऐसे इसका हमने किया डबल डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर, तो हमारे पास बन गया फोर टू फोर। अब हम ये लेकर आते हैं, पहले हमने करने इन दोनों का आंसर सेम आएगा तो हम कर लेते हैं यहाँ पे कर्ल अपॉन कर्ल एक्स टू, अंदर लिख देते हैं कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स वन। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है बट आपने इसको लाइन वाइज लिखना पेपर में। नाउ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एक्स टू प्लस फोर एक्स वन एक्स टू प्लस फोर एक्स वन माइनस सिक्स एक्स थ्री, इसका डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू इज वन जीरो जीरो, तो आ गया हमारे पास वन। तो यहां पे हमने दोनों पे लिख दिया वन और ऐसे हम ये निकालते हैं, बाहर निकाल दिया एक्स थ्री अंदर डाल दिया एक्स वन। यहां पे मैं सीधे ही लिख देती हूँ इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस सिक्स आ गया। अब हमारे पास ये रह गया, इसका हमने करना है कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स थ्री, अंदर रख दिया हमने एक्स टू को, तो एक्स टू हमारे पास यहाँ पे क्या है, कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री इज जीरो, तो यहां पे दोनों पे जीरो आ गया। तो ये हमारा हैसन मैट्रिक बन गया। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही हो, मैं वीडियो बना ली इसलिए लिखा नहीं जा रहा था मेरे से। सो यहां पे हमारा बन गया फोर टू फोर और यहां पे हमारा बना था वन वन वन, ये वन इसका है और यहां पे हमारा आया है माइनस सिक्स, इसको सॉल्व करके आया है जीरो जीरो। इसका मतलब D1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, D2 की वैल्यू इन दोनों का इन 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट दैट मीन्स 4 टू इज द 8 माइनस 1 तो आ गया 7। अब D3 की वैल्यू क्या आएगी, पूरे डिटर्मिनेंट की, पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे इन्होंने करके नहीं दिखाया, आपने करके दिखाना है। उसके बाद 4 3 माइनस 44 आ गया
उसके बाद हमने क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल मैनर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, दो पॉजिटिव आ रहे और एक नेगेटिव आ रहे, दैट मीन ना तो पॉजिटिव आ रहे ना तो नेगेटिव आ रहे, इसका मतलब हमारे पॉजिटिव डिफाइंड, दिस इज नाइदर पॉजिटिव डिफाइंड नॉर नेगेटिव डिफाइंड, इसलिए हमने अब कौन सा मेथड यूज करना है, प्रिंसिपल मैनर। पहले हमने कौन सा यूज किया था, लीडिंग प्रिंसिपल मैनर, अब हम प्रिंसिपल मैनर के साथ ऑर्डर वन निकालेंगे, इसका ऑर्डर वन क्या होगा, 4 2 4, तो आपने ऐसे लिख लेना है 4 2 4, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है कि किसको हमने लीव किया है। उसके बाद ऑर्डर टू क्या आएगा, पहले तो आर वन को छोड़ दिया और कॉलम को भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, तो यहाँ पे अगर 2 2 ये दोनों मैट्रिक्स, तो इसकी आंसर क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप लिख लोगे 2 0 0 4, तो इसका डिटरमिनेंट आ गया 8। ऐसे R2 को छोड़ दिया, C2 को छोड़ दिया, तो हमारे पास आ गया 4 -6 -6 4, तो आ गया आंसर सॉल्व करके -20, क्योंकि 4 4 16 -6 6 36, तो माइनस करके आ गया -20। उसके बाद हमने किसको लीव करना है, R3 C3 को, तो यहां पे हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 4 1 1 2 4 1 1 2। मेन क्या था इसका, मैट्रिक्स बनाना, अगर इसकी कोई भी वैल्यू गलत होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 4 2 8 -1, दैट मीन 7 आ गया। सो फिर से हम चेक करते हैं इसके ऑर्डर थ्री, तो हमारा सेम आ जाएगा D3, क्योंकि पूरे का मैट्रिक्स करेंगे तो -44 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से देखो, हमारे पास एक पॉजिटिव आ रही है, दो नेगेटिव आ रहे हैं, दो पॉजिटिव आ रहे हैं, एक नेगेटिव आ रहा है, तो इस पे हम बनाते हैं कि अगर पॉजिटिव डिफाइन, दैट मीन पॉजिटिव डिफाइन में क्या होता है, D1 D2 D3 ग्रेटर देन 0 होते हैं, नेगेटिव में क्या आते हैं, दो नेगेटिव होने चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव सेमी डिफाइन में क्या होता है, सेम तीनों के आने चाहिए डेल्टा, ये हमने डेल्टा की वैल्यूज निकाली हैं, Δ1 > 0 Δ2 > 0 Δ3 > 0, बट यहाँ पे चेक करो कि हमारे पास ऐसी कोई भी बन नहीं रही ना इन तीनों में कंडीशंस, क्योंकि ऊपर देखो हमारे पास D1 में क्या आ रहा था, दो पॉजिटिव आ रहे हैं, एक नेगेटिव आ रहा था, बट हमें क्या चाहिए था, दो नेगेटिव चाहिए थे, एक पॉजिटिव, या तीनों ही पॉजिटिव, तो ये भी कंडीशंस नहीं बनी। ऐसी डेल्टा में चेक करो, यहाँ पे पॉजिटिव 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 आ गया। Δ2 में चेक करो, ये हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर से नहीं सेटिस्फाई की, फिर Δ3 में फिर से नेगेटिव, तो इसका मतलब कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, एफ इज नाइदर कन्वेक्स कनकेव नॉर कन्वेक्स, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव, कोई भी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है, सिंपल हमने डिटर्मिनेंट करना है, उसके बाद ये कंडीशन को याद रखना है, तो हमारे कन्वेक्स कनकेव आ जाएंगे। आपने ये जो सभी प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपने यहां से नोट करना है, ये वाले और लास्ट वाली, इनको आपने अच्छे से नोट कर लेना अपने बुक्स में। ये हमने फर्स्ट मेथड टू टेस्ट डेफिनेट डिफाइनेस ऑफ मैट्रिक्स में किया था। अब हमारे पास पार्ट 3 में क्या गिवन है, एफ ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1 e की पावर -x1 + x2, तो हेसन मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x1 स्क्वायर, कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x2 स्क्वायर, और ये दोनों की वैल्यूज तो सेम होती है, तो आपने अब ये आपका होमवर्क है, आपने खुद से ये निकालना है। सो D1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जिसका ऑर्डर क्या होता है 1, सो ये लिख दिया। D2 क्या होता है, इन दोनों का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटर में आ जाता है माइनस, जो टर्म हमारी कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 -1 इज -2 x1 + x2, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो टर्म्स हैं e की पावर वाली टर्म्स कंबाइन हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल e की पावर a इंटू e की पावर b क्या बन जाती है, e की पावर a + b,
और जो x वाली टर्म्स है वो पॉलिनोमियल होते हैं, वो एज इट इज आ जाती हैं। जो इसको कॉमन निकाल दिया, सॉल्व किया तो 2x1-1 आ गया। यहाँ पे देखो हमारे पास d1 d2 दोनों ही पॉजिटिव आ गए, इसका मतलब हम और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है, तो क्या आएगा स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। अगर हमारा x1 इक्वल टू 2 आ गया तब वैल्यू पुट करके देखो 2-2 is 0, d2 हमारा आ रहा है 2-1-1, दैट मीन्स 1, 2 into 1 is 2, पॉजिटिव आया तो d2 greater than 0 आएगा। यहाँ पे हमारा h क्या बन गया, ना तो पॉजिटिव डिफाइन बना ना ही नेगेटिव डिफाइन बना, क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आ जाता तब हम लिख सकते थे कि ये पॉजिटिव डिफाइन है। सिंस डेल्टा वन क्या आ रहा है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेल्टा वन क्या होता है जिसका ऑर्डर 1 होता है, इन दोनों का ऑर्डर क्या है 1, तो ये दोनों क्या है हमारे पॉजिटिव। और इसी तरह हमारा डेल्टा 2 क्या है, इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये आया था ये भी हमारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फॉर प्रिंसिपल मैनर्स, ये हमारा कौन सा मैनर है, लीडिंग प्रिंसिपल मैनर, ये हमारा है प्रिंसिपल मैनर। सो यहाँ पे हमारा एच क्या बन गया, पॉजिटिव सेमी डिफाइंड, जिसपे इक्वालिटी आ जाती है वो हमारा बन जाता है पॉजिटिव सेमी डिफाइंड। इसका मतलब एफ क्या बन गया, कन्वेक्स। सो कन्वेक्स और कनकेव को एड करके क्या बन गया, सॉरी कन्वेक्स और स्ट्रिक्टली कन्वेक्स को एड करके बन गया स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। नाउ अब हमने चेक किया x1 अगर 1 और 2 में लाई करता है, 1 और 2 में लाई करता है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 1.5, तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है नेगेटिव, दैट मीन्स d1 नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे 1.5 पुट करेंगे तो -0.5, दैट मीन्स पॉजिटिव। फिर से हमारा क्या बन गया, एच हमारा बन गया नेगेटिव डिफाइन। नेगेटिव डिफाइन में क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों ही नेगेटिव। सो एफ हमारा बन गया स्ट्रिक्टली कनकेव। सो आपने इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, जितने भी हमारी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं उनको सभी पे चेक करना है। जैसे पहले हमने चेक किया x1 पे, x1 लाई करवा दिया 1 और 2 में, फिर ग्रेटर देन फिर इक्वल टू, तो अगर ग्रेटर देन 2 आया तो एफ हमारा बन गया स्ट्रिक्टली कन्वेक्स। अगर इक्वल टू आ रहा है तो ना तो हमारा नाइदर पॉजिटिव डिफाइन है नॉर नेगेटिव डिफाइन है, इसका मतलब एफ हमारा क्या आएगा नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 यूज करते दैट मीन्स प्रिंसिपल मैनर यूज कर रहे हैं तब हमारे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव सेमी डिफाइन, दैट मीन्स कन्वेक्स। अगर हमारा x1 1 और 2 में लाई करते हैं तो हमारा d1 आ गया, d1 का मतलब स्ट्रिक्टली h इज नेगेटिव डिफाइन, क्योंकि नेगेटिव डिफाइन में मैंने ऊपर आपको कंडीशन लिखवाई थी कि हमारे 2 नेगेटिव होने चाहिए एक पॉजिटिव, हमारे पास क्या आ रहा है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो वो बन गया हमारा नेगेटिव डिफाइन। तो इसका मतलब हमारा बन गया एफ स्ट्रिक्टली कनकेव। जब हम सेंटर में पॉजिटिव एस डाल देते तो वो हमारा स्ट्रिक्टली खत्म हो जाता है, तो ऐसे आपने इसको याद रखना है। फोर्थ पार्ट वेरी इजी है जो आपको 2 मार्क्स में आएगा। तो हमारे पास क्या आ गई, मैंने एफ ऑफ x1 x2 x1 square plus 2 x1 x2 minus 10 x1 plus 5 x2, पहले तो आपने क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2x1 minus 10, ये भी आना था plus 2 x2। उसके बाद हमने करना है इसका डबल डेरिवेटिव, सो आ गया हमारे पास 2 0 0, तो 2 आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स टू का, सो क्या आ जाएगा 0 2x1, ये भी 0 plus 5, डबल डेरिवेटिव किया तो यहां पे 2 वाली टर्म कोई भी नहीं है तो 0 आ गया। अब हमने करना है ये जो क्या होता है कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल x1 x2, तो इसको सेपरेट कर देते हैं, कर्ल अपॉन x1 को बाहर निकाल देते हैं, x वाली टर्म को अंदर ले आते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके क्या आया था ये वाला कर्ल अपॉन कर्ल x1, यहां पे हमने लिख दिया 2x1 plus 5, तो क्या आ गया हमारे पास 2। यहां पे इन्होंने गलत दे रखा था तो आपने इसको ठीक कर लेना है, तो d1 हमारा आ गया 2 और d2 इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा
टू इंटू टू, इसको काट देते हैं, टू इंटू जीरो जीरो, टू टू जा फोर, तो हमारे पास आ गया माइनस फोर। एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आ गया, मीन्स की नेगेटिव डिफाइन बन गया। ये देखो हमारी कंडीशन होती है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव डिफाइन बन गया। अब हमने प्रिंसिपल मैंने यूज किया जिसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, वन, तो एक तो हमारा टू आ गया और एक जीरो, तो टू कोमा जीरो, ये दोनों ही ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, इसको काट देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस फोर। तो एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि डेल्टा वन हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। बट हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है और डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन ना तो कन्वेक्स है ना ही कनकेव है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको काट देते हैं, हैंस यहां से स्टार्ट करते हैं, एफ इज नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव। जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है उसमें मुझे लगता है ये वाली टर्म नहीं होगी, अगर ये वाली टर्म नहीं होगी तो हमारा एफ क्या बन जाएगा, कन्वेक्स बन जाएगा। तो इसकी या तो स्टेटमेंट रॉन्ग है या इसका आंसर रॉन्ग है। तो आपने इसको, अगर स्टेटमेंट तो हम ठीक नहीं कर सकते तो हम आंसर को ही ठीक कर दिया। तो हमारा बन गया एफ इज नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव। नाउ जो पार्ट फिफ्थ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।